बेटे क्वेश्चन है, वांडरवाल कांस्टेंट ए फॉर अमोनिया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर 4.17, 0.244, 1.36 एंड 3.59 रेस्पेक्टिवली। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज मोस्ट इजली लिक्विफाइड। ठीक है, ऑप्शन में ये चारों गैसें हैं। सबसे पहली बात बेटा कि जो वांडरवाल कांस्टेंट ए होता है, वांडरवाल कांस्टेंट ए इज द मेजर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मेजर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्टिव फोर्स का मेजरमेंट जो है वो वांडरवाल कांस्टेंट ए के बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं। अब यहां क्या है कि हाई द वैल्यू ऑफ ए, हाई द वैल्यू ऑफ ए, वांडरवाल कांस्टेंट ए की वैल्यू जितनी ज्यादा हाई हो, मोर इजली गैस गेट लिक्विफाइड। ठीक, गैस उतनी आसानी से क्या हो जाएगा, लिक्विफाइड हो जाएगा। तो अगर हमें बोला जाए कि ईज ऑफ लिक्विफिकेशन का ऑर्डर बताइए, ईज ऑफ लिक्विफिकेशन तो हम बोलेंगे सबसे आसानी से कौन सी गैस लिक्विफाइड हो जाएगी बेटा, अमोनिया, क्योंकि इसके लिए ए की वैल्यू सबसे ज्यादा। देन कार्बन डाइऑक्साइड, देन ऑक्सीजन एंड फाइनली लास्ट हाइड्रोजन। राइट, तो सबसे आसानी से अमोनिया लिक्विफाइड होगी और सबसे डिफिकल्ट होगा हाइड्रोजन को लिक्विफाई करना। तो हमसे पूछा जा रहा है मोस्ट इजली लिक्विफाइड, तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा बेटा, राइट।